राजनीति की शुरुआत की अगर हम आपसे करते हैं, आप कैसे इंस्पायर हुए राजनीति में आने के लिए? क्योंकि खानदानी तौर पर राजनीति में रहे, आपने जिक्र भी किया कि परदादा भी रहे, फिर पापा भी आ गए, फिर आप भी अब राजनीति में हैं, तो आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली? मैं विदेश में था। मैंने सोचा कि वकालत शुरू करने से पहले जा देखें कि विश्व कैसा है और बाहर लोग कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे कार्यरत करते हैं। सन 77 के अंदर इमरजेंसी के दौरान सारे ऑपोजिशन के नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने जेल भेज दिया है। मेरे पिताजी ऑपोजिशन के अंदर MP हुआ करते थे, तो मैं सोचा कि मेरे पिताजी को कहीं भेज ना दिया हो जेल, और मैं बड़ा लड़का हूँ तो मेरे को वहाँ पर आना चाहिए। ठीक। सो जब उन दिनों के अंदर ये मोबाइल तो होता नहीं था, लैंडलाइन से लाइटनिंग कॉल, इमीडिएट कॉल, फलाना ढिकड़ा कॉल, ऐसी तरह से कॉल करनी पड़ती थी, और बाज़ दफ़ा दो दो तीन तीन दिन गुजर जाते थे और कॉल नहीं मिल पाती थी। तो मैं उस टाइम एम्स्टरडैम के अंदर था, तो एक अंग्रेज़ आया वहाँ पे, उसने अंग्रेज़ी का अखबार हमको दिखाया और उसने कहा कि हिंदुस्तान के सारे अपोजिशन के नेता जेल के अंदर भेज दिए गए श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो हमने अपने घर टेलीफोन किया, टेलीफोन उठाया नहीं, फिर हमने अपने गांव टेलीफोन किया, नहीं उठाया, दूसरे दिन भी यही कवायद रही, टेलीफोन किया उठाया नहीं, टेलीफोन किया उठाया नहीं। तो हमने सोचा कि घर के अंदर तो कोई है ही नहीं, शायद भेज दिए जेल, और उन दिनों के अंदर कोई और दूर तरीका था नहीं। तो हमने फटाफट प्लेन पकड़ा और दिल्ली आ गए। मतलब आप दोनों के केस में बहुत एक ये चीज़ सिमिलर रही है कि आपने भी परिवार को बचाने के लिए राजनीति में एंटर कर लिया और पिताजी ने भी। तो चलो खैर, उस टाइम जेल तो नहीं गए थे वो, लेकिन वो सन 77 के अंदर जो इलेक्शन था लोकसभा का, वो हार गए थे। तो जब हार गए तो मैं वकालत करना चाहता था, तो मैंने लोकसभा के इलेक्शन के लिए काम किया था। अच्छा, वकालत और राजनीति में क्या फ़र्क आप मानते हैं? सबका एक एक नज़रिया है, क्योंकि देखिए अगर हम वकालत की बात करते हैं, एक चीज़ दोनों के अंदर ये भी सिमिलर है, अगर आप वकालत भी कर रहे हैं, अगर आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो भी समाज सेवा है, राजनीति में अगर आप असल मायने में काम कर रहे हैं तो वो भी समाज सेवा है। बिल्कुल, वो जो वकील होता है वो भी अपनी मौके की बात कहता है। हाँ, जिस तरह से हो सकता है उसकी वकालत करता है, वहाँ वकील एक होता है, यहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोग पीछे। यहाँ पर आपके कई वकील होते हैं, जनता की आवाज़ करना, आपका लेजिस्लेचर में जा करके या सरकार के सामने पेश करना, ये चुने हुए अधिकारी का एक फर्ज होता है। अच्छा, होली के अवसर पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी, इसको मान सकते हैं आपके लिए भी और लोगों के लिए भी जो आपके समर्थक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, क्योंकि अब आप एक बार फिर से MP के कैंडिडेट हैं गुड़गांव लोकसभा सीट से, इस बार कांग्रेस नहीं, इस बार BJP से आप सामने आए हैं। अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करते हैं, इस बार के इलेक्शन में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या है? देश को बचाने के लिए, देश को एक सुदृढ़, ईमानदार और शासन को गवर्नेंस करने वाली सरकार चाहिए। देश की आज के दिन ज़रूरत है, देश की माली हालत आपको मालूम है, बिगड़ चुकी है, जो पिछले दिनों के अंदर करप्शन की चर्चाएं रही हैं, आम आदमी ये महसूस करता है कि राजनीतिक दल या सरकारें निजी स्वार्थ के लिए काम करती हैं, अगर वो सत्तासीन होती हैं तो ये जो भावनाएं लोगों के अंदर आ गई हैं, जो देश के लिए घातक हैं, इनको समाप्त करने के लिए एक ऐसी सरकार बनाने की आवश्यकता है जो लोगों को गवर्नेंस दे। अच्छा, अगर हम पर्सनली आपकी बात करते हैं तो इस बार आपका एजेंडा क्या है, मतलब आप क्या देना चाहते हैं जनता को? गवर्नेंस तो ठीक है, क्योंकि ये तो सभी का साझा एक वो होगा कि कोशिश है और हमने एक अच्छी गवर्नेंस दी, लेकिन पर्सनली आप क्या देंगे हरियाणा की जनता को खासतौर पर? देखिए, हरियाणा का चुनाव होगा लोकसभा के बाद, एक बार तो ये सोच रहे थे कि शायद इकट्ठा ही हो जाए, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव पहले है, देश में स्थायी सरकार बनने के बाद फिर हरियाणा की सोचेंगे। जिस तरह से बिल्डर्स माफिया के मार्फत दिल्ली के इर्द गिर्द के NCR रीजन के अंदर खरीद फरोख हुई, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर अपना धन, यानी इस बार जैसे कि अक्सर आरोप लगते रहे कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रॉपर्टी डीलर हैं, BJP के कई नेता अक्सर यही कहते हुए नजर आते हैं, इनेलो के नेता भी अक्सर यही कहते हुए नजर आते हैं, यानी आप लोगों के बीच में यही लेकर जाएंगे मुद्दा कि अभी तक जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने ये काम किया, अभी तक की जो सरकार रही उन्होंने ये काम किया, अब अच्छी गवर्नेंस BJP दे सकती है? देखिए, हर एक के ऊपर तो बराबर की तौर के ऊपर नहीं आका जा सकता। जो प्रॉपर्टी की कीमत पिछले 10 साल के अंदर बढ़ी है, वो पिछले 10 साल के कांग्रेस के शासन के दौरान बढ़ी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, ज़मीन की खरीद फरोख हुई, मास्टर प्लान बने, तब्दील हुए जी, नई बनी,
सबका ये सोच है, खासकर जहाँ पर घात भी है कि भाई बिल्डरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नीतियाँ बनी हैं, और कोई भी सरकार चाहे किसी और प्रांत की भी आप देख लो जी, एक अगर मास्टर प्लान बनती है तो अमूमन 10-20 साल तक उसके ऊपर अमल होता है। ठीक है, अच्छा इस बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। धर्मवीर सिंह हाल ही में अभी उन्होंने बीजेपी में एंट्री ली है, तो उनको माना जा रहा है कि मौका परस्त हैं जो लोग बिल्कुल एंड मोमेंट पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी नीयत साफ थी, क्योंकि अगर आप वाकई जनता की सेवा करना चाहते थे तो आपको पहले आ जाना चाहिए था। और इसी बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब कांग्रेस ही जिन लोगों के खिलाफ में आवाज़ बार बार उठ रही है, अगर वही लोग बीजेपी में जाएंगे तो फिर एक अच्छी व्यवस्था कैसे मिल सकती है, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पर भी काम किया, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी के अंदर जाने के लिए कई लोग तो स्वार्थ के लिए जाते हैं, कुछ लोग जाति रंजिश की वजह से जाते हैं, और कुछ लोग देश सेवा की वजह से जाते हैं। जहाँ तक चौधरी धर्मवीर की बात है, जी, कांग्रेस के अंदर तो रहे, और खास बात यह कि मुख्यमंत्री हुड्डा के करीबी वो बहुत रहे, लेकिन उनका जाति विवाद वहाँ पर चौधरी बंसीलाल के कुंडे से रहा है। जब इलेक्शन लड़े तो चौधरी बंसीलाल पहली बार हारे थे तो धर्मवीर जीते थे। पिछली बार उनको भिवानी से बेदखल कर दिया, सोना भेज दिया है, तो वो मलाल शायद उनके दिमाग में हो कि मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है, हाँ, तो जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है उनके साथ में बदला हिसाब मतलब गलती का एहसास इसको मान सकते हैं, गलती नहीं जी। देखो, भिवानी के राजनीतिक हैं, और भिवानी से उनको जहाँ की उनकी जन्मभूमि है, जहाँ की उनकी कार्यभूमि है, वहाँ से उनको बेदखल कर दिया, तो आदमी को महसूस तो होता ही है ना। मतलब ये माना जाए कि अब वो जनता की सेवा, मतलब हृदय परिवर्तन हो गया, उन्होंने देखा कि आपको धोखा मिला है तो आपकी आपके जो समर्थक हैं, आपके जो साथ के लोग हैं, उनको ये लोग क्या दे पाएंगे? ऐसा कर, मैं तो संभावित है कि ये विवाद जो उत्पन्न हुआ जब उनको वहाँ से पिछले इलेक्शन के अंदर बेदखल कर दिया, वो भी एक सोच हो सकती है कि उनको वापस भिवानी जाने का एक जरिया मिल गया, और वो जीतने उनकी मतलब जनता के अंदर उनकी पैठ है। ठीक है, ये तो धर्मवीर सिंह जी की बात आपने यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन इंद्रजीत जी, अगर हम आप ही की खास तौर पे बात करते हैं, आप एक साफ छवि के नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी रहती है इस बात को लेकर कि राम इंद्रजीत जी शादी ब्याह जब होते हैं या फिर सुख दुख के जब कार्यक्रम होते हैं तो कम उनकी मुलाकातें होती हैं लोगों के साथ में, तब थोड़े से नाराज रहते हैं कि आप उनसे कम मिलते हैं, आप उनको कम वक्त देते हैं, ऐसा है क्या? देखिए, आदमी अगर किसी के साथ जुड़ता है तो उसके ब्याह में गया या शादी में गया उस वजह से नहीं जुड़ता, और आमूमन अगर आप देखोगे किसी के शाब यादी के अंदर इस तरह का सिलसिला चल गया है जी कि सभी पार्टी के लोगों को बुलाते हैं, पर वोट तो एक ही को दे पाएंगे ना। हाँ, मतलब दिल से जुड़ा है लोगों का आपके साथ में, दिल से जुड़ा हुआ है नहीं, जो सोच से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगर मेरी सोच ठीक है और मेरी सोच के अंदर तंत है और इलाके के लिए मेरी सोच कायम है, मेरा ईमान बरकरार है, इस वास्ते लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। यूं तो जो सारे के सारे रोजाना सुबह से लेकर के और शाम तक शादियों के अंदर ब्याहों के अंदर डोलते रहते हैं कि सारे एमएलए बन जाते हैं या सारे एमपी बन जाते हैं, मतलब ठीक है, बन जाते हैं। आपकी प्रेजेंस नहीं बल्कि आपकी सोच काम करती है, सोच काम करती है। इसके अंदर आदमी हिंदुस्तान का आज के दिन राजनीतिक तौर के ऊपर बड़ा मैच्योर है। अच्छा, अगर हम पर्सनली आप ही की बात यहाँ पर करते हैं, विवाद के लोग थोड़े से खफा हैं आपसे, वो मानते हैं कि मेवात के हिस्से की आवाज़ आपने कम उठाई, वो खुद को उपेक्षित सा महसूस करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये आपको किसी ने गलत सलाह दी है, शायद आपने मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट्स हैं उनसे संपादित करी होगी। मेवात के अंदर मैंने दो वायदे करे थे, मैंने एक तो ये कहा था कि रेलवे लाइन मेवात को हम दिलवा करके रहेंगे। अनेक दशक गुजर गए थे, रेल के अंदर मेवात के लोग बैठे भी नहीं थे। पिछले बजट के दौरान मेवात को पैसेंजर रेल लाइन के लिए हमने उस टाइम बंसल साहब हुआ करते थे मंत्री, उनसे ऐलान करवा दिया कि मेवात को हम दो सिरे से जोड़ेंगे। ठीक, एक तरफ तो गुड़गावा से लेकर के नू फिरोजपुर जिरका होते हुए सिविलियन पैसेंजर लाइन खोली बनाई जाएगी, और दूसरा पलवल से लेकर के फिरोजपुर जिरका और अलवर को जोड़ा जाएगा। तो जो लोग अभी तक इस बात के अंदर वायदे किए हुआ थे उसको हमने अमली जामा पिछले दिनों के अंदर पहनाया, तो ये मेरी उपलब्धि मेवात के लोगों के प्रति ये है। दूसरा वायदा मैंने किया था कि कोटला झील
जहाँ पर इसी डैम के ऊपर मुगलों की सल्तनत के दौरान महल बना हुआ था मुगलों का, ऐश आराम के लिए वहाँ जाया करते थे। बहुत भारी 5,000 एकड़ के अंदर पानी एक बार इकट्ठा हुआ करता था। मेवात आप जानते हो कि पहाड़ों के बीच में ही पानी है, इर्द गिर्द के अंदर पानी नहीं है। तो इस पानी से मेवात को सैराब करने की योजना को बनवाने के लिए मैंने आश्वासन दिया था, और NCR जो नेशनल कैपिटल रीजन है उस बोर्ड से इसके पैसे को भी हमने तजवीज़ करवाया। लेकिन जो स्कीम हम चाहते थे 1,000 एकड़ के अंदर लागू हो, हरियाणा सरकार ने उसको सीमित कर करके पहले तो 180 एकड़ तक सीमित करा, यानी कि पैसा सिर्फ 180 एकड़ की एक्विजिशन के वास्ते NCR से लिया, और बाद के अंदर घटा करके मैं सुना है कि उन्होंने 106 एकड़। मतलब आपकी जो कोशिशें रही वो कहीं ना कहीं विफल करने में कांग्रेस पार्टी ने काम किया, तो रोड़ा बन गई हमारी जो मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा, चाहे हम कितना भी ना करें लेकिन जातीय समीकरण और ये जो चीज़ें हैं, मुस्लिम वोट हिंदू वोट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अभी तक जबकि आप कांग्रेस में रहे तो मुस्लिम वोटर्स आपके साथ में रहे, क्योंकि अब आप BJP के मेंबर हैं, क्योंकि अब आप BJP की तरफ से कैंडिडेट हैं, क्या मानते हैं इस बार भी मुस्लिम वोटर्स आपका साथ देंगे? क्योंकि देखिए अक्सर माना जाता है कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो BJP के साथ बहुत रेयर जाते हैं, बहुत कम इनका परसेंटेज होता है। भले ही वो कह रहे हों कि इस बार हम वोट विकास के नाम पर देंगे, हम वोट इस बार अच्छी सोच के साथ में जाएंगे हमारे, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को? देखो, मुस्लिम वोटर्स को इस्तेमाल किया गया है, जो ये सेक्युलर का जो बैनर है जो कुछ लोग अपने आप को देते हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी भी एक है, इनको वोट बैंक के तहत इस्तेमाल करती है, उनके दिल और दिमाग के अंदर खौफ पहुँचाने का प्रयास करती है, ठीक, और उसका उनको राजनीतिक लाभ मिलता है। मुसलमानों के लिए कोई कांग्रेस पार्टी ने खास किया नहीं, सिर्फ उनको इस्तेमाल किया कि अगर BJP आ जाएगी तो तुम्हारी ऐश्तेजी कर देगी। अब वो आज के दिन मुसलमान बार बार इसी चीज़ को सुनते सुनते उसके कान पक गए हैं। अब उसको मालूम है कि भी कांग्रेस ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तो आज के दिन मुसलमान भी मैं समझता हूँ कि BJP के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। हमारे पड़ोस के अंदर मेवात के दो हिस्से हैं, कुछ राजस्थान के अंदर है और कुछ हरियाणा में है। तो राजस्थान वाले क्षेत्र से 3 BJP के MLA मुस्लिम्स BJP की टिकट के ऊपर जीत करके आए हैं। तो जब वहाँ पर जीत करके आ गए राजस्थान के अंदर, तो हरियाणा वालों तो हम उनसे भी फॉरवर्ड समझते हैं, वो तो BJP के साथ जुड़ेंगे। और मेरे साथ मैं समझता हूँ कि जितनी तादाद के अंदर मुस्लिम समाज आया था उससे अव्वल इस बार आएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि इंद्रजीत सिंह जो कहता है वो करता है। और BJP का जो दावा है कि भाई हमने पिछले 10 साल के अंदर गुजरात के शासन के अंदर एक भी रायत नहीं होने दिया, तो वो वाजिब है। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि आपके पिताजी रहे हों या फिर आप रहे हों, बहुत ज़्यादा वक्त कांग्रेस के साथ में गुजारा है, क्या वजह मानते हैं कि उसके बावजूद भी आपको महसूस हुआ कि दक्षिण हरियाणा पिछड़ा हुआ है काफ़ी, वहाँ पर उतने विकास कार्य नहीं हुए हैं जितने के होने चाहिए थे? देखिए, दक्षिणी हरियाणा तो नहीं, मैं तो यूँ कहता हूँ कि अमूमन जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो अपने क्षेत्र का ख्याल करते हैं। किसी भी चीफ मिनिस्टर का देख लो, आटे में नमक चल जाता है पर नमक में आटा नहीं चलता। मतलब अगर नमक आटे पे भारी पड़ रहा है तो बर्दाश्त। आज के दिन, हाँ, आज के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने नमक आटे में मिलाने की बजाय नमक में आटा मिलाना शुरू कर दिया। जो हमारा गुड़गांव क्षेत्र है, ये 65% राजस्व देता है हरियाणा को, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखो, सड़कों की हालत देख लो। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पहलू ये भी है कि जितना विकास हुआ वो भी MNCs आई, इंडस्ट्रीज आई, इसलिए रिवेन्यू भी आया, इसीलिए सड़कें भी बनी, इसीलिए डेवलपमेंट भी हुआ, जबकि जहाँ होना चाहिए तो जो काफ़ी पिछड़े इलाके हैं, पानी की समस्या सबसे ज़्यादा अभी तक बनी हुई है दक्षिण हरियाणा के अंदर, उस पर क्या कहेंगे? आखिर उस समस्या का समाधान आज तक क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि वो एक लंबे वक्त से बनी हुई है समस्या। देखो, पानी की समस्या तो इसके अंदर दोषी मैं हरियाणा सरकार को भी मानूंगा और भारत सरकार को भी मानूंगा। 1986 के अंदर इंदिरा जी जब उस टाइम के ऊपर राष्ट्र प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उनके दस्तक के साथ 3 प्रांतों के चीफ मिनिस्टर ने दस्तखत किए थे जी। शिवचरण माथुर राजस्थान के थे, दरबारा सिंह पंजाब के थे, और भजन लाल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। रावी ब्यास के पानी को हरियाणा को कितनी तादाद के अंदर दिया जाए उसके ऊपर हस्ताक्षर हुए, इंदिरा गांधी की मोहर लगी हुई है, उनके दस्तखत हुए। 3 प्रांत के फैसले को एक तरफाई तौर के ऊपर कांग्रेस की सरकार ने पंजाब असेंबली के माध्यम से उसको रद्द कर दिया 2006 के अंदर।
जब वो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अमल करने जा रहा था, अमली जामा पहनाने जा रहा था, तो उसको स्कटल करने के लिए पंजाब असेंबली ने एक यूनिलैटरली विषय पारित किया कि हम इस फैसले को नामंजूर करते हैं। अब तीन आदमियों के या चार आदमियों के फैसले को एक आदमी तो नामंजूर नहीं कर सकता। ठीक, ये मसला फिर केंद्र सरकार के ऊपर आया। केंद्र सरकार ने कहना चाहिए था अपने चीफ मिनिस्टर को कि तूने गलत किया है। लॉ मिनिस्ट्री कह सकती है कि तूने गलत किया है, ये वाजिब है, लेट पंजाब गो टू द हाई कोर्ट। बट इन्होंने नहीं किया, इन्होंने राष्ट्रपति को दे दिया कि भाई आप इसके बारे में बताओ क्या कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने अपना पल्ला झाड़ करके और मतलब मामले को लटकाया गया, जानबूझकर खींचा गया, बड़ा इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कर दिया कि ये जो पंजाब ने यूनिलैटरली तोड़ा है समझौता, इसको वाजिब माना जाए कि गलत माना जाए। ठीक, वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 2006 के अंदर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। आज हमको 63-64 साल हो गए आज़ाद हुए, अनेक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए। कोई भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस साल दो साल से अव्वल समय नहीं लेता, उसमें हाँ। जवाब सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है। 7 साल हो गए हरियाणा के पानी के मसले का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के पास गए हुए, ठंडे बस्ते के अंदर पड़े हुए, ना भारत सरकार ने और ना हरियाणा सरकार ने किसी ने भी ये नहीं सुनवा याचिका लगाई या किसी ने अर्जी नहीं लगाई कि हम पानी की वजह से तराही तराही कर रहे हैं, हमारी याचिका के ऊपर अगली सुनवाई करी जाए। तो केंद्र सरकार भी दोषी है इसके अंदर, क्योंकि वो फैसला नहीं लेना चाहती, गवर्न नहीं करना चाहती, और हरियाणा सरकार भी दोषी है, उन्होंने पैरवी नहीं करी। हालांकि लेकिन फिर भी जनता अगर आपसे पूछे कि आप भी इतने लंबे वक्त से वहाँ बने रहे फिर भी आप हमारे काम नहीं करा पाए, तब आप उनको क्या जवाब देंगे? जितने काम बतौर MP मैं करवा पाया हूँ, मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा MP पहले नहीं करवा पाया है। मैं गिनवाऊं? हाँ बिल्कुल। रेलवे मेवात के अंदर रेलवे लाइन का मैंने जिक्र किया। हाँ। केंद्र की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी एशिया की दूसरी डिफेंस यूनिवर्सिटी एक चाइना में है। ठीक है, जिसका जिक्र खुद दीपेंद्र हुड्डा भी करते हुए नजर आए थे। दीपेंद्र हुड्डा कैसे जिक्र करते हैं मुझे नहीं मालूम। हाँ। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी हुई वो भारतीय सरकार की तरफ से हुई थी और उस वक्त मैं केंद्र के अंदर मंत्री था। तो मैं अपना योगदान करता हूँ, बाकी कोई मेरी पद्धति चढ़ करके आना चाहे उसका मैं नहीं कह सकता। ठीक, लेकिन डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा योगदान है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। जो रिवाड़ी के अंदर सैनिक स्कूल, रिवाड़ी खानी खान मानी जाती है हरियाणा के सैनिकों की, सबसे अव्वल सैनिक देश भर के अंदर है, वहाँ पे हैं। वहाँ पर पिछले 35-40 बरस से सैनिक स्कूल की मांग उठ रही थी। वेंकटरमन गए थे वहाँ पर, अनाउंस किया था उन्होंने 1964-65 के अंदर यहाँ पर सैनिक स्कूल होना चाहिए। उस पुरानी मांग को मैंने सिरे चढ़ाया। जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 16 हुई थी, 16 यूनिवर्सिटीज़ जो सारे भारतवर्ष के अंदर केंद्र यूनिवर्सिटीज़ हुई थी, इनको तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को तो शायद ये रोहतक ले जाना चाहते थे। जब कैबिनेट का ये फैसला हो गया कि भाई जहाँ पर ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी है प्रांतीय, उसके उस जगह के ऊपर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते, जब जाकर के दक्षिण हरियाणा का नंबर आया। तो इतना किसी और MP ने किया हो तो मुझे बता दीजिए। वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर 40,000 करोड़ रुपए की योजना आज के दिन अगर हरियाणा से गुजर रही है तो मैं समझता हूँ कि मेरी उपलब्धि उसके अंदर है, नहीं तो वो कोटा होकर के झांसी होकर के और फिर बम्बई जाना था। उसको मैंने कहा कि भाई तुम अगर झांसी से ले जाओगे तो इसके अंदर नदी आएगी, पुल आएगा, असतम असम थल क्षेत्र आएगा, आप हरियाणा से करो, छोटा रास्ता पड़ेगा और सस्ता पड़ेगा। तो उसको जब राइट्स ने ये मेरी बात के ऊपर मोहर लगाई तब ये डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा की सरहद के ऊपर से गुजरा है, नहीं तो ये तो हमारे को मिल ही नहीं रहा था। अच्छा, योगेंद्र यादव उतरे हैं आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर, जाकिर हुसैन भी हैं NLO की तरफ से, कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा की नहीं है, इन दोनों से अभी तक, क्योंकि एक और नाम अभी आया नहीं है सामने, इन दोनों से कितनी आप टक्कर मान रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी चाहते थे कि NLO और BJP साथ में आए, आप बार बार ये कहते रहते कि दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, एक पुल के तौर पर आप काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई। उस सवाल पर आऊँगी, लेकिन पहले सवाल आपसे यही। देखिए, इलेक्शन के दौर में प्रत्याशी तो मैदान में उतरेंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, कांग्रेस भी अपना उतारे, तो जो भी नाम आपने लिए हैं वो प्रत्याशी के तौर के ऊपर उतरे हैं। लेकिन आप उन्हें कितनी अपने लिए चुनौती मान रहे हैं? और प्रत्याशियों के अनुसार वो भी एक प्रत्याशी हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि अपने प्रतिद्वंदी को, अक्सर कहा जाता है कि अपने दुश्मनों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, तो आप भी उनको कमजोर नहीं समझ रहे हैं, टक्कर का मान रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं
जो भी इलेक्शन लड़ता है उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि सबका अधिकार है। हाँ। लेकिन जो प्रतिद्वंदी हमारे हैं और सारी जिंदगी हमने इलेक्शन ही लड़े हैं, तो वो और प्रत्याशियों की तरह से इस बार भी प्रत्याशी मेरे सामने होंगे, देखते हैं जनता क्या फैसला करती है। चलिए, ये एक चुनौती है ही इतने सारे लोग अगर सामने। अच्छा, महागठबंधन का जिक्र जरूर करना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि महागठबंधन को लेकर लगातार आप भी प्रयास कर रहे थे और चाह रहे थे, चाहे प्रकाश सिंह बादल हों या फिर आप हों, कि हाँ दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए। महागठबंधन नहीं हुआ, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, जो पार्टी का फैसला है वो ज़्यादा मेरे अलावा ज़्यादा बड़ी सोच वाले, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले पार्टी के अंदर नेता हैं। मेरा तो जो ध्येय था वो इसी वास्ते था कि जो कांग्रेस के खिलाफ वोट बैंक है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक। उस नज़रिए से मैं ये सोच रहा था कि अगर भारत सरकार से कांग्रेस भी दखल हो तो देश के लिए, क्योंकि देखिए इनेलो की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, चाहे बीजेपी इस बात को नकारती रहे भले ही क्यों ना, कि हमें इनेलो का साथ नहीं चाहिए या फिर हमें किसी और, हम हाजका के साथ में गठबंधन में हैं, लेकिन फिर भी इनेलो वाले बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है तो उसके लिए हम तैयार हैं, हमारा समर्थन रहेगा, तो फिर गठबंधन से इनकार क्यों है? अगर पर्सनली आपका व्यू यहाँ पर मैं जानना चाहूँ तो मेरा तो क्या व्यू है, तो वही व्यू है जो मेरी पार्टी ने अब तय कर दिया है। मैं तो पार्टी का डिसिप्लिन सिपाही हूँ, जो उन्होंने फैसला कर दिया है सो उसके ऊपर करेंगे, और लोकदल का अगर कैंडिडेट हमारे सामने उसके खिलाफ लड़ेंगे। भारतीय जनता की 10 की 10 सीटें हरियाणा के। अच्छा, क्योंकि गुड़गांव में अहिरवाल एक वोट बैंक है, दूसरा मुस्लिम वोट बैंक है, क्योंकि जाकिर हुसैन को उतारा है तो मानते हैं कहीं ना कहीं वो आपके जो वोटर्स हैं उनको काट ना लें, क्योंकि अहिरवाल जो एक बड़ा तबका है वो आपके साथ में, इस बात को नहीं नकारा जा सकता है। लेकिन क्योंकि अगर हम जाकिर हुसैन की बात करते हैं, उनकी भी अच्छी खासी पकड़ है अपने समुदाय के अंदर। जैसे मैंने बताया ना कि हर एक को उम्मीद होती है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, कोई अगर ये मालूम पहले से करे कि मैं इलेक्शन हारूंगा तो लड़ेगा ही क्यों, तो हर अपने अपने प्रयास करेंगे, इलेक्शन के अंदर सारे के सारे पहलवान उतरेंगे, जिसको जनता पसंद करेगी सो जीत जाएगा। आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं फिलहाल? मैं तो आश्वस्त हूँ, मानते हैं कि इस बार जीत हासिल होगी, जनता की आवाज़ आपने उठाई है। मैं समझता हूँ कि मेरे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मैं समझता हूँ कि मेरा ईमान बरकरार है, करप्शन के कोई चार्जेस मेरे ऊपर लगे हुए नहीं है, जनता की आवाज़ हमेशा मैंने उठाई है और इस बात को जनता भूलती नहीं, आखिर तौर के ऊपर वो ये याद करते हुए मेरे को दोबारा से। इंसाफ मंच आपने बनाया, इसका क्या रोल रहेगा? इंसाफ मंच तो हमने एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर के ऊपर बनाया था, वो आज भी कायम है। इंसाफ जनता को दिलवाना चाहते हैं, हर क्षेत्र को, हर वर्ग को दिलवाना चाहते हैं, कमज़ोर को भी, अजाबर को भी, तो इंसाफ मंच बतौर एक सोसाइटी रहेगा, एक गैर राजनीतिक संगठन के तौर के ऊपर रहेगा। इसकी जो पॉलिटिकल शाखा थी जिसको हमने इलेक्शन कमीशन के अंदर पंजीकृत करवाया हाँ। था, उसका नाम था हरियाणा इंसाफ कांग्रेस हाँ। तो जो पॉलिटिकल शाखा इस इंसाफ मंच की थी सो हमने उसको बीजेपी के अंदर मर्ज कर दिया है। ठीक। आज के दिन इंसाफ मंच सोशल तौर के ऊपर कार्यरत रहेगा और पॉलिटिकल पार्टी हमारी बीजेपी। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो रामतृजीत बहुत आश्वस्त हैं और उनका मानना है कि जनता की आवाज़ को उन्होंने उठाया, तो जाहिर सी बात है जनता भी उनका समर्थन देगी। बहरहाल बहुत ही जल्द चुनाव हो जाएंगे और ये भी क्लियर हो जाएगा कि जनता किसको चुनती है। चलिए, गुड़गांव से कैमरा पर्सन ललित और दीपक के साथ पूजा यादव, जनता टीवी।